हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। जैसे कि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट रहती है कि जब उनके बेबी छोटे से रहते हैं तो काफ़ी फेयर कलर था उनका, बट अब उनका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। सो इसका रीज़न क्या है और इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है तो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट करा होगा कि उसको सनलाइट देनी है। सनलाइट से आपके बच्चे को पीलिया नहीं होता है, और अगर आप उनको सनलाइट नहीं देते हैं तो उनको पीलिया का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बोन्स स्ट्रॉन्ग के लिए भी आपको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने बेबी को सनलाइट में लिटा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो बेबी को सनलाइट की ज़रूरत होती है वो ग्लास ट्रांसपेरेंट सनलाइट होनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट से बच्चों का कलर जो होता है डार्क हो जाता है। ग्लास ट्रांसपेरेंट सनलाइट मीन्स ये होता है कि अगर आपके घर में कोई खिड़की है जिस पे कांच लगा हुआ है और वहाँ से अगर आपके बच्चे को सनलाइट मिल रही है तब आप वो दे सकते हैं, या फिर आप ट्राई करें कि कुछ और तरीके से अपने बच्चे को सनलाइट देने की ट्राई करें। बट इस तरीके से डायरेक्ट सनलाइट बच्चों को नहीं देनी होती है, उससे बच्चों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। सेकंड जो होता है कि आप अगर गलत ऑयल मसाज यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, तब भी बच्चों का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहते, आप किसी आउट एरिया में रहते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके एरिया में कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं है, देन आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि अभी समर आ रहे हैं तो समर में आपको आपके बच्चे को हल्का सा वॉर्म जो कोकोनट ऑयल होता है उसी से मसाज देनी है। उसके अलावा आपको अपने बेबी के ऊपर कुछ भी यूज़ नहीं करना है, वो एक छोटा सा बेबी है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करना है उसके ऊपर। ज़्यादा कुछ अपने बेबी की स्किन पर यूज़ ना करें, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और बच्चों को सेंसिटिव स्किन होने की वजह से हम कुछ भी यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाती है या फिर ब्लैक हो जाती है। ये आपकी वजह से होता है, आप उनको थोड़ा अच्छे से केयर कीजिए, क्योंकि वो एक छोटा सा बेबी है, वो इतना सब कुछ नहीं झेल सकता। आपको उसको केयर करनी है, आपको उसको टेक केयर करना है, उसी से वो अच्छा दिखेगा। और जो नेक्स्ट आप करते हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से उनको नहलाते हैं। हॉट वाटर, ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ नहीं करना है बेबीज़ के ऊपर। बेबी बहुत छोटा होता है और उसको हॉट वाटर उसकी स्किन नहीं कर पाती है। अभी जो न्यूबॉर्न मॉम होंगी उनको काफ़ी फैमिलीज़ में दादी नानी होते हैं, वो एडवाइस कर देते हैं, पर आजकल ज़्यादातर सेपरेट फैमिलीज़ रह रही हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके बेबी के लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं बेस्ट है। जैसे कि अभी समर आ रहा है, सो समर में आपको जो हॉट वाटर है वो यूज़ नहीं करना है। आपको आपके बेबी को नहलाने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए आपको एक पानी बकेट में पानी लेके उसको धूप में रखना है 2 से 3 घंटे के लिए। वो इतना हॉट हो जाएगा कि आपके बच्चे को किसी तरीके का कोई हार्मफुल नहीं देगा, आपके बच्चे को सर्दी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। जो सनलाइट के डायरेक्शन से पानी गर्म हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आपके बच्चे के लिए इफ़ेक्टिव होगा। सो आप उससे अपने बच्चे को नहला सकते हैं। अभी समर के डेज़ में गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उससे आपके बच्चे की हैबिट भी ख़राब होती है, और जो भी जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसको उस चीज़ की आदत हो जाएगी जो आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेकेंड आप कर सकते हैं, मैंने बताया कि आप जो भी समर्स आ रहे हैं उसमें आप हल्का सा वॉर्म कोकोनट ऑयल, जो नारियल का तेल होता है, उसकी मसाज आपको देनी है। वो आपके बच्चे के लिए बेस्ट है, कलर भी डार्क नहीं करेगा और आपके बच्चे की बोन्स को भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखेगा। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चे की स्किन काली पड़ चुकी है, उसको सनलाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा, कोई भी रीज़न रहा हो जिसकी वजह से आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है, देन आप तो रॉ मिल्क, जो कच्चा दूध होता है, उसको आप अपने बच्चे के पूरे बॉडी पर लेप कर दीजिए और उसको सूखने तक वेट कीजिए। जब वो सूख जाए अपने बच्चे को नहला दीजिए। इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 15 से 1 महीने के बीच में आपके बेबी का नॉर्मल कलर जो पहले था वो आ जाएगा। अब काफ़ी वीडियोस होते हैं जिनमें बताते हैं ये यूज़ कीजिए वो यूज़ कीजिए, क्यों करना है, वो एक बहुत छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर इस तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जो उसकी स्किन को हार्म करे, उसको इरिटेट करे।
आप माँ हैं, आप अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं, सो आप उसको वही करिए जो आपके बच्चे को कंफर्टेबल हो। दुनिया का मत सुनिए, दुनिया का मत करिए, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। और माँ हमेशा बेस्ट करती है, अपने बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी हार्म नहीं होने देती है। सो आप थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज लें, उसके बाद करें। आप मेरा भी मत मानिए, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है अगर आपका बेबी स्टार्टिंग से ही डार्क कलर का है देन आप उसको गोरा करने में लगे पड़े हैं, अलग अलग तरह के उपटंस यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग की क्रीम यूज़ कर रहे हैं, मत करिए। वो एक छोटा बेबी है, वो ये सारी चीज़ें नहीं झेल सकता। तो आप उसके लिए और वीडियोस देख के कलर फेयर करने के लिए ये सब मत कीजिए। ये मैंने वीडियो उसके लिए बनाया है, अगर आपका बेबी का स्टार्टिंग कलर बहुत अच्छा था पर टाइम के साथ वो डार्क हो गया है देन आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर शुरू से ही आपके बेबी का कलर डार्क है तो वो ऊपर वाले ने किया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते और आपको करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, मत करिए। सो आप ये दो चीज़ें कर सकते हैं अपने बेबी के कलर को मेंटेन रखने के लिए, अपने बेबी की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और सनलाइट का स्पेशल ध्यान दें कि उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं देनी है, उससे आपके बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि जब हम ही धूप में बैठते हैं तो हमें कितना ज़्यादा ईचिंग होने लगती है, कितना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। फिर वो छोटा सा बच्चा है, वो नहीं बोल सकता, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आप उसको समझिए और इस तरीके से उसको डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिए, ग्लास ट्रांसपेरेंट सनलाइट यूज़ कीजिए या फिर कोई और तरीका निकालिए। आप माँ हैं, आप डेफिनेटली कर सकती हैं, सो वो करिए, पर उसको डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिए। और तरह तरह के उसकी बॉडी पे ऑयल्स यूज़ करना बंद करिए, कुछ एक डिसाइड करिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर वही उसके ऊपर कंटिन्यू करिए। सो ये थी हमारी कुछ छोटी सी नॉलेज बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा रील्स वगैरह देखती हूँ तो मैं देखती हूँ लोग इतना इतना कुछ बोलते हैं जो कि उनको बच्चे के लिए नहीं बोलना चाहिए। सो आई थॉट कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, सो मैंने बनाया है। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको इसी तरीके की नॉलेज की ज़रूरत है, आपको इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।